क्वेश्चन नंबर वन राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ऑल दिज नंबर्स तो पहले समझते हैं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है देखिए एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है जब भी कोई नंबर हो आपके पास कोई रेशनल नंबर या इ नंबर उसमें कुछ ऐड करें और ऐड करने के बाद पूरा ये सम जो है ज़ीरो हो जाए तो इस नंबर को बोलेंगे मतलब कि जिस रेसरा नंबर में जो ऐड करेंगे ये जो नंबर ऐड किया हमने इसको बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स क्योंकि ऐड करने के बाद जीरो बना दिया तो इसीलिए बोला जा रहा है एडिटिव इनवर्स ठीक है तो बस कॉन्सेप्ट यही है मतलब कि हमें क्या करना है ये सोचना है कि फाइव में क्या ऐड करें कि यह पूरा सम जीरो हो जाए तो फाइव में क्या ऐड करेंगे फाइव में आपको ऐड करना पड़ेगा माइनस फाइव तभी जीरो होगा ना इसका मतलब कि माइनस फाइव इज एडिटिव इनवर्स ऑफ फाइव और माइनस फाइव का क्या होगा एडिटिव इनवर्स फाइव ही होगा ठीक है तो ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हैं तो एडिटिव इनवर्स ऑफ फाइव इज माइनस फाइव दिस इज योर आंसर अब देखिए माइनस सेवन का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आपको सोचना है कि माइनस सेवन में क्या ऐड करें सेवन ऐड करना पड़ेगा तभी ज़ीरो होगा देयर फॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस सेवन इज सेवन फाइव अपॉन नाइन का निकालना है तो फाइव अपॉन्ट नाइन में क्या ऐड करें तो निगेटिव ऑफ फाइव अपन नाइन ऐड करना पड़ेगा तभी ज़ीरो होगा ये देरफोर इसका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स माइनस फाइव अपॉन नाइन माइनस थ्री अपान सेवनटीन इसमें क्या ऐड करें तो हम प्लस थ्री अपान सेवनटीन ऐड कर लेंगे क्योंकि तो ये पहले से निगेटिव है तो पॉजिटिव वाला ऐड कर लें तो ये जीरो हो जाएगा इसका मतलब कि इसका जो एडिटिव इन होगा वो होगा थ्री अपॉन सेवनटीन पॉजिटिव में जीरो का क्या होगा एडिटिव इनवर्स देखिए जीरो का जीरो ही होगा क्योंकि जीरो में यदि आप जीरो ही ऐड करेंगे तो जीरो आएगा है कि नहीं इसमें निगेटिव पॉजिटिव करने की जरूरत ही नहीं है तो जीरो ही जीरो का एडिटिव इनवर्स है इलेवन होल फाइव अपॉइन्ट सेवनटीन देखिए इसका इसमें क्या ऐड करें तो इसमें क्या करना पड़ेगा निगेटिव ऑफ इलेवन होल फाइव अपॉइंट सेवनटीन ऐड करना पड़ेगा तभी तो जीरो होगा और इसलिए माइनस इलेवन होल माइनस इलेवन होल फाइव अपॉइंट सेवनटीन दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर माइनस फाइव होल थ्री अपॉइन एट इसमें क्या ऐड करें तो फाइव होल प्लस में ये नेगेटिव में दिया है तो प्लस में कर लीजिए फाइव होल थ्री अपन एट विल बी जीरो एंड इसका एरिटिव इनवर्स होगा माइनस फाइव होल थ्री अपन एट का जो एरिटिव इनवर्स होगा वो होगा फाइव होल थ्री अपन एट नाउ द नेक्स्ट वन माइनस थर्टी सेवन माइनस थर्टी सेवन में प्लस थर्टी सेवन करना पड़ेगा तभी जीरो होगा तो ये जो प्लस थर्टी सेवन है वो माइनस थर्टी सेवन का एडिटिव इनवर्स है तो थर्टी सेवन वन वन में क्या ऐड करें तो वन में माइनस वन करना पड़ेगा तभी जीरो होगा सो माइनस वन इज़ द एरेटिव इनवर्स ऑफ वन बहुत आसान है बस आपको ऐसे सोचना है और आसानी से फाइंड कर लेना है एरेटिव इनवर्स क्वेश्चन नंबर टू राइट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ऑल दिस नंबर्स यहाँ पर पहले समझते हैं कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है देखिए कोई भी रेशनल नंबर होगा ए हम इस रेशनल नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि इसकी वैल्यू वन हो जाए तो जो नंबर यहाँ मिलेगी उसी को बोलेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके रेसिप्रोकल से रेसिप्रोकल क्या होता है जो भी नंबर होता है उसका वन अपान ले लीजिए वन अपान ए तो ए का रेसिप्रोकल होगा वन अपान ए ए कैंसिल हो जाएगा तो वन मिलेगा कि नहीं तो हमें करना है कि यहां पर नाइन का रेसिप्रोकल लेना है तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ नाइन इज वन अपन नाइन क्यों क्योंकि आप यदि नाइन में मल्टीप्लाई करेंगे वन अपन नाइन से तो वैल्यू आएगी वन क्योंकि नाइन वन या नाइन हो जाता है ठीक ऐसे सब में करना है देखिए माइनस वन का क्या होगा मल्टीप्लाई इनवर्स तो माइनस वन में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वन आ जाए तो देखिए माइनस वन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस वन से तभी तो वन आएगा इसका मतलब कि माइनस वन का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो माइनस वन होता है तो इसका आंसर होगा माइनस वन तो मैं यहाँ कॉमा करके जो लिखूंगा वो आंसर होगा मतलब मल्टीप्लिक यूनिवर्स होगा ठीक है इलेवन अपान सिक्सटीन इसका जो मल्टीप्ली यूनिवर्स होगा वो इसका रिसिप्टल कर दीजिए तो सिक्सटीन अपन इलेवन मीन्स मल्टीप्लाई यदि करेंगे हम सिक्सटीन अपान इलेवन से देखिए इलेवन में हो इलेवन हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सिक्सटीन हो जाए सिक्सटीन तो वन वन बचेगा हर जगह मीन्स फाइनली आ जाएगा वन तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिक्सटीन अपन इलेवन इसको आप मिक्स फ्रैक्शन बदल सकते हैं इलेवन हो इलेवन फाइव अपन इलेवन यहाँ पर करते हैं देखिए इसका निकालने के लिए मल्टीप्लीकर्स पहले पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो फोर फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन अपान फोर अब यदि आप ट्वेंटी वन अपान फोर में मल्टीप्लाई करते हैं फोर अपान ट्वेंटी वन से तो देखिए ये वन हो जाएगा यहाँ भी वन हो जाएगा फोर वन जो फोर फोर वन जो फोर वन आ जाएगा इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्वेंटी फोर अपान ट्वेंटी वन तो फोर अपान ट्वेंटी वन इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ फाइव होल वन अपान फोर माइनस टू अपन थ्री देखिए माइनस टू अपन थ्री निगेटिव भी है तो निगेटिव होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा निगेटिव ऑफ थ्री अपान टू इसको पॉजिटिव नहीं करना है ठीक है क्योंकि निगेटिव रहेगा तभी तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा और वन आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा थ्री वन जर थ्री या थ्री वन जर थ्री और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो हमें फाइनली मिल जाएगा वन मतलब कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस टू अपन थ्री इज माइनस थ्री अपन टू केवल आपको रेसिप्रोकल करना है आगे बढ़ते हैं देखिए सेवनटीन होल थ्री अपन ट्वेंटी है तो पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए इम प्रॉपर में तो सेवनटीन टू जा होता है थर्टी फोर थ्री फोर जीरो प्लस थ्री अपॉन ट्वेंटी हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा थ्री फोर्टी थ्री थ्री फोर्टी थ्री अपान ट्वेंटी अब इसका रेसिप्रोकल लेना होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें ट्वेंटी अपन थ्री फोर्टी थ्री से तब जाकर के वन आएगा है कि नहीं तो आप यहां देख रहे हैं कि वन लाने के लिए करना पड़ेगा मतलब कि आपका जो मल्टीप्लाइट होगा वो ये होगा ट्वेंटी अपन थ्री फोर्टी थ्री दिस इज योर आंसर अब आगे बढ़ते हैं देखिए यहां पर माइनस एटीन होल वन अपन टू है इसको पहले आप बदल लीजिए इम्रॉपर में तो एट थर्टी सेवन अपॉन टू अब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे से माइनस टू अपान थर्टी सेवन से तो ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा माइनस टू अपन थर्टी सेवन मतलब कि माइनस एटीन होल वन अपान टू का जो रेसिप्रोकल होगा माइनस टू अपन थर्टी सेवन माइनस फाइव का क्या होगा रेसिप्रोकल 1 वन अपन माइनस फाइव होगा है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन अपन माइनस फाइव से तभी मिलेगा माइनस तभी मिलेगा वन और देर फोर इसका जो रेसिप्रोकल होगा माइनस फाइव का वो होगा वन अपन माइनस फाइव इसका मतलब कि वन अपन माइनस फाइव मतलब क्या हो गया माइनस वन फाइव द लास्ट वन देखिए माइनस ट्वेंटी अपान फोर्टी वन इसका रेसिप्रोकल होगा मल्टीप्लाई करेंगे दी फोर्टी वन अपान माइनस ट्वेंटी से तो ये बिल्कुल ही वन हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा वन से और आपका वन आ जाएगा मतलब कि माइनस ट्वेंटी अपन फोर्टी वन का जो रेसिप्रोकल होगा वह होगा फोर्टी वन अपान माइनस ट्वेंटी और इसको रेसिप्रोकल बदलेंगे तो माइनस ऑफ ट्वेंटी टू होता है फोर्टी वन बचा और ट्वेंटी तो माइनस टू होल वन अपन ट्वेंटी दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस ट्वेंटी अपान फोर्टी वन क्वेश्चन नंबर थ्री रिप्रेजेंट इज ऑफ द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन तो इन सभी नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो ध्यान दीजिएगा इन सभी नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये या तो प्रॉपर है या इम प्रॉपर है जैसे कि थ्री अपन सेवन को देखिए थ्री नमिनेटर में छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये क्या है प्रॉपर नंबर है और ये इम प्रॉपर है क्योंकि न्यूमिनेटर क्या है बड़ा है डिनोमिनेटर से और यहाँ देखेंगे तो ये निगेटिव है बट निगेटिव को यदि इग्नोर कर दें तो निमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से है कि नहीं तो मतलब निगेटिव प्रॉपर नंबर है ये और ये निगेटिव इम प्रॉपर नंबर है और ये भी निगेटिव इम प्रॉपर नंबर है तो इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं प्रॉपर और इम प्रॉपर क्यों कैटेगराइज कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा जितने भी प्रॉपर रेस्ट नंबर्स होते हैं वो जीरो और वन या जीरो और माइनस वन के बीच में लाई करते हैं एकदम ये रिमेंबर कर लीजिए मतलब कि यदि पॉजिटिव रहेगा तो जीरो और वन के बीच में लाइक करेगा यदि प्रॉपर हुआ और वो निगेटिव हुआ तो जीरो और माइनस वन के बीच में लाइक करेगा ठीक है इतना समझ गए तो थ्री अपॉइंट सेवन यदि प्रॉपर है तो कैसे दिखाएंगे कहाँ पर लाइक करेगा जीरो वन के बीच में तो चलिए समझते हैं सबसे पहले थ्री अपॉइंट सेवन के जो डिनोमिनेटर है वो सेवन है तो सेवन को देख करके ये पता चल रहा है कि जीरो और वन के बीच में जो लेंथ है ये इसको हम सेवन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे चलिए करते हैं इसको सेवन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें सिक्स लाइन खींचनी पड़ेंगी फोर फाइव सिक्स तो हमने यहां पर सिक्स लाइन खींचा तो ये सेवन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया यदि आपको ध्यान से देखेंगे तो देखिए मिलेगा आपको यहां से यहां तक एक पार्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन तो सेवन इक्वल पार्ट्स हमने डिवाइड कर दिया है अब ये ये केवल डिनोमिनेटर को देख करके हमने किया ये अब उसके बाद न्यूमिनेटर को देखेंगे न्यूनेटर क्या है थ्री है तो थ्री ये बताता है कि जीरो से कितनी बार जंप करेंगे आगे और कौन सा पॉइंट होगा जो थ्री अपन सेवन को रिप्रेजेंट करेगा वो उसका लोकेशन बताता है मतलब जीपीएस है वो जैसे कि जीरो से आगे बढ़ेंगे थ्री टाइम्स मतलब कि वन टू एंड थ्री तो दिस नंबर ये जो यहां पर जो नंबर है यही है वो पॉइंट जो थ्री अपन सेवन को रिप्रेजेंट करेगा थ्री अपॉन सेवन हियर बहुत आसान है अब चलिए करते हैं upon को। सबसे पहले जो फाइव है इसको आप कर लीजिए कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन में तो फाइव से फिफ्टीन होता है थ्री होल वन बचेगा वन अपन फाइव तो देखिए पहले यहां पर समझना होगा कि जो थ्री है वो कंप्लीट है तो थ्री ये बताता है कि जीरो से राइट right साइड में जाएंगे और देखेंगे थ्री कहाँ है थ्री यहाँ है तो थ्री तो कंप्लीट तो है मतलब कि आप यहाँ से डायरेक्टली से मैं ये कलर ले लेता हूँ यहाँ से डायरेक्टली आप जंप कर जाएंगे थ्री तक इतना मतलब डायरेक्टली आप कर सकते हैं तो केवल थ्री को देख करके आप यहाँ आ गए अब उसके बाद से वन अपन फाइव जो इसका अदर पार्ट है जो कि प्रॉपर है वह थ्री और फोर के बीच में लाई करेगा और थ्री और फोर के बीच में कैसे वन पॉन फाइव को रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हम थ्री पॉन सेवन को कर रहे थे ठीक वैसे ही इसका मतलब कि हम यहां पर पार्टीशन करेंगे फाइव इक्वल पार्ट्स किसका थ्री और फोर का जो लेंथ है उसका तो फाइव इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमें फोर लाइन्स खींचनी पड़ेंगे बस तो वन ये हो गया वन टू थ्री एंड फोर तो ये फाइव इक्वल पार्ट्स में हमने कर लिया रफली करना है यदि आप स्केल से करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा ठीक है चलिए अब यहां पर हमें न्यूमरेटर में देखना है तो न्यूमरेटर में वन है वन ये बताता है कि यहां से बस एक बार जम करना है मतलब यदि हम एक बार जम करेंगे तो ये जो नंबर मिलेगी ये जो पॉइंट मिलेगा दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स सिक्सटीन अपन फाइव तो दिस इज सिक्सटीन अपन फाइव दिस इज सो सिंपल अब करते हैं माइनस फोर नाइन देखिए माइनस फोर नेगेटिव नाइन निगेटिव प्रॉपर नंबर है इसका मतलब कि जीरो और माइनस वन के बीच में लाई करेगा यदि माइनस फोर अपन नाइन जीरो और माइनस वन के बीच में लाई करेगा तो हम आसानी से कर लेंगे रिप्रेजेंट निगेटिव को छोड़ दीजिए निगेटिव बस ये बता रहा है ना कि जीरो और माइनस वन के बीच में लाइक like करेगा ये अब क्या करना है कि फोर अपन नाइन को जैसे हम कर रहे थे थ्री अपन सेवन को ठीक वैसे ही करेंगे तो नाइन बता रहा है कि जीरो और माइनस वन का जो इंटरवल है उसको हम नाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो नाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें एट लाइन्स खींचने पड़ेंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो हमने एट लाइन्स खींचा तो नाइन पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका है ठीक है जीरो और माइनस वन के बीच में हमने एट लाइन्स खींच लिया है और ये नाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है अब हमें देखना है न्यूमरेटर न्यूमरेटर है आपका फोर माइनस फोर है ना तो माइनस फोर मतलब क्या बता रहा है कि जीरो से लेफ्ट साइड में फोर टाइम्स जाएंगे तो जीरो से लेफ्ट साइड जाएंगे तो कौन सा पॉइंट आएगा देखिए यहाँ से होगा वन टू थ्री एंड फोर तो दिस पॉइंट ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स माइनस फोर अपन नाइन तो दिस इज माइनस फोर अपन नाइन अब करना है माइनस एटीन अपॉन इलेवन तो माइनस एटीन अपन इलेवन को पहले हम कर लेंगे मिक्स फैक्शन में तो माइनस एटीन अपन इलेवन होगा वन होल सेवन अपॉन इलेवन ठीक है निगेटिव में तो माइनस वन ये बताता है कि जीरो से माइनस वन तक तो चले जाएंगे डायरेक्टली मतलब कि आप यहाँ से जीरो से डायरेक्टली जम्प कर जाएंगे माइनस वन के पास ओके माइनस वन यहाँ पर अब इसके बाद जो इंटरवल है मतलब माइनस वन और माइनस टू इसके बीच में रिप्रेजेंट होगा सेवन अपान इलेवन तो सेवन अपान इलेवन को माइनस वन और माइनस टू के बीच में करने के लिए रिप्रेजेंट हमें देखना पड़ेगा सेवन अपन इलेवन का डिनोमिनेटर ये क्या है इलेवन है इलेवन ये बताता है कि हम माइनस वन और माइनस टू का जो इंटरवल है उसको हम टेन सॉरी इलेवन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मतलब कि टेन लाइन्स खींच देंगे माइनस वन और माइनस टू के बीच में तो हमें इलेवन इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो हमने टेन लाइन्स खींचा तो ये हमारा डिवाइड हो चुका है इलेवन पार्ट्स में अब अगर करना है कि देखना है न्यूमिरेटर को सेवन है सेवन बता रहा है कि यहाँ माइनस वन से इस पॉइंट से हमें जम करना है सेवन टाइम्स मतलब यहां से फर्स्ट हो गया पॉइंट ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये जो पॉइंट है यही वो पॉइंट है जो रिप्रेजेंट करेगा माइनस एटीन अपॉन इलेवन माइनस एटीन अपान इलेवन तो हमने ये फोर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लिया है इस नंबर लाइन पर हमें इसके लिए एक दूसरा नंबर लाइन खींचना पड़ेगा तो देखिए यहाँ पर हमें हमने जीरो यहाँ रखा है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव तो हमने निगेटिव नंबर्स को ज़्यादा दिखाया क्योंकि ये निगेटिव नंबर है माइनस थ्री होल वन अपान सिक्स तो माइनस थ्री होल वन अपन सिक्स को हम यहां पर इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं देखिए माइनस थ्री माइनस थ्री क्या है कंप्लीट है माइनस थ्री कंप्लीट होने का मतलब कि जीरो से डायरेक्टली आप जंप कर जाएंगे माइनस थ्री तक तो यहां तक तो आ गए अब करना है कि देखिए माइनस थ्री से माइनस फोर के बीच में लाइक करेगा ये नंबर तो ये वन अपॉन जो दिख रहा है यहां पर प्रॉपर नंबर ये माइनस और माइनस के बीच में करेगा लेकिन कैसे इसको दिखाएंगे तो यहां देखिए डिनोमेटर में सिक्स है तो हम क्या करेंगे सिक्स पार्ट्स करेंगे माइनस थ्री और माइनस फोर के बीच का जो लेंथ है उसको तो सिक्स पार्ट्स करने के लिए फाइव लाइन्स खींच देंगे तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो फाइव लाइन्स खींचने के बाद ये सिक्स पार्ट्स में हो गया डिवाइड माइनस थ्री और माइनस फोर अब क्या करेंगे कि जो ऊपर न्यूमिनेटर में वन दिखा रहा है वो हम माइनस थ्री से लेफ्ट साइड में जाएंगे वन पोजीशन तो यहाँ से जंप किए केवल वन पोजीशन तो ये जो पॉइंट है यही पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस थ्री होल वन अपॉइन सिक्स को तो दिस इज माइनस थ्री होल वन अपन सिक्स तो ऐसे करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन थ्री अपन फाइव एंड सेवन अपन नाइन तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लेते हैं और इसमें दिखाते रहेंगे कि कहाँ पर हम नंबर एक जो रेस्ट नंबर है कैसे फाइंड कर रहे हैं ठीक है देखिए थ्री अपन फाइव और सेवन अपन नाइन में छोटा कौन है तो नाइन थ्री जा होता है ट्वेंटी सेवन एन फाइव सेवन जै थर्टी फाइव मीन्स ये नंबर छोटा है मतलब कि सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे देखिए थ्री अपन फाइव तो ये नंबर थ्री वन फाइव यहाँ पर है और यहाँ मान लीजिए कि सेवन अपन नाइन है क्योंकि ये बड़ा है तो राइट साइड में होगा हमें एक नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि इस इन दोनों नंबर्स के जस्ट बीचों बीच में जो नंबर है यहां पर उसको फाइंड कर लेंगे कैसे फाइंड करेंगे इस नंबर को दोनों को ऐड करेंगे मतलब थ्री फाइव एंड सेवन को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक रेशनल नंबर मिल जाएगी सोल्यूशन हो जाएगा तो ऑरेशनल नंबर बिटवीन थ्री फाइव एंड सेवन अपन नाइन इज वन अपन टू ऑफ मैंने हाफ कर देंगे किसका थ्री बाई फाइव प्लस सेवन बाई नाइन दोनों को ऐड करके तो एकदम मिडिल पॉइंट मिलेगा इसका इन दोनों का तो कितना आएगा ये वन पॉइंट टू इसको सॉल्व करेंगे तो नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव यह हो जाएगा ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव फाइव सेवन जो थर्टी फाइव वन अपॉन टू मल्टीप्लाइड भाई यहाँ ऐड कर लेंगे तो फाइव सेवन ट्वेल्व का टू वन कैरी एंड थ्री टू फाइव वन सिक्स सिक्सटी टू अपान ये हो जाएगा फोर्टी फाइव तो यहाँ पे टू हंड्रेड टू और ये कट जाएगा थ्री वन मतलब आ गया थर्टी वन अपन फोर्टी फाइव तो यहाँ पर जो मिडिल पॉइंट होगा वो होगा थर्टी वन अपान फोर्टी फाइव तो एक रेस्ट फाइंड करने के लिए आप ऐसे ही फाइंड कर लीजिएगा तो दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन फाइव फाइन टू रेशनल नंबर्स बिटवीन टू एंड थ्री इसमें एक्चुअली फाइव पार्ट्स हैं तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है चलिए सॉल्व करते हैं वन बाई वन तो टू और थ्री को मैंने यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है हमें टू रेशनल नंबर फाइंड करने केवल टू और थ्री के बीच में तो टू और थ्री में एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए तो बीचों बीच वाला निकाल लेते थे तो इसमें भी हम वही यूज़ करेंगे मिडिल पॉइंट मेथड मेन टू और थ्री के बीच में पहले एक रेशन नंबर फाइंड करेंगे और दूसरा वाला फाइंड करेंगे जो नंबर मिलेगी यहाँ पर उसके और इस थ्री के बीच में मतलब यहाँ पर या फिर यहाँ भी फाइंड कर सकते हैं चलिए फाइंड करते हैं फर्स्ट रेशन नंबर होगा टू और थ्री के बीच में डिवाइड करेंगे दोनों को ऐड करके टू से तो टू प्लस थ्री करेंगे दोनों को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा फाइव अपॉइंट टू मतलब एक हम मिल चुका है ये पॉइंट इसको ले देंगे यहाँ पर फाइव पॉइंट टू हमें एक और चाहिए तो हम ये पॉइंट फाइंड करें या ये पॉइंट फाइंड करें हम चाहते हैं ये पॉइंट फाइंड करना यदि इसको फाइंड करना चाहते हैं तो फाइव पॉइंट टू में थ्री एड करना पड़ेगा फिर टू से डिवाइड करना होगा सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन टू एंड थ्री इज हमें क्या करना पड़ेगा टू से डिवाइड करना होगा फाइव पॉइंट टू प्लस थ्री थ्री करके फाइव पॉइंट टू प्लस थ्री इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक दूसरा रेशनल नंबर वन बाई टू इन देखिए यहाँ पे टू थ्री जो सिक्स एंड सिक्स फाइव इलेवन इलेवन अपन टू मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा हमें इलेवन हो जो इलेवन इलेवन अपन टू ट्री जो फोर इलेवन अपन फोर एक अनदर रेशनल नंबर होगा जो कि यही नंबर है इलेवन अपन फोर तो हमें फाइव अपन टू एंड इलेवन वन फोर ये दो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर मिल गए टू और थ्री के बीच में आप चाहते तो ये भी फाइंड कर सकते थे बट हमने यही दोनों फाइंड कर लिया तो ये आपका आंसर हो गया वन अपन थ्री एंड टू अपन फाइव तो वन अपन थ्री एंड टू अपन फाइव के बीच में टू रेस्टोरेंट फाइंड करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों के बीचों बीच मिडिल पॉइंट फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रेस्टोरेंट नंबर निकलेगा हमें इन दोनों को प्लस करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे तो थ्री फाइव फिफ्टीन हो जाएगा फाइव वन जे फाइव प्लस फाइव थ्री फिफ्टीन थ्री टू जे सिक्स तो वन रेस्टोरेंट नंबर होगा देखिए फाइव सिक्स इलेवन इलेवन अपन थर्टी तो ये आपका मिडिल पॉइंट मिल गया इलेवन अपन थर्टी दिस इज द फर्स्ट रिसॉर्ट नंबर अब इलेवन अपन थर्टी और टू वन फाइव के बीच में फाइंड कर लेंगे एक यहाँ पर तो क्या करेंगे इलेवन अपन थर्टी और टू वन फाइव को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे देखिए वन बाई टू किए हैं मतलब कि हम टू से डिवाइड कर रहे हैं एक्चुअली और होल यहाँ पर क्या गए हैं इलेवन अपान थर्टी प्लस टू अपन फाइव तो यहां पर फाइंड करना चाहते हैं इसलिए हमने किया ऐसा आप चाहते तो यहां भी फाइंड कर सकते थे इन दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करना पड़ता थर्ड से डिवाइड करेंगे वन आएगा वन इंटू इलेवन इलेवन रहेगा प्लस फाइव सिक्स जय थर्टी सिक्स टू जै ट्वेल्व वन अपन टू मल्टीप्लाइड बाई देखिए यहां पर ऐड करेंगे ट्वेंटी थ्री अपन सिक्सटी आ जाए ट्वेंटी थ्री अपन थर्टी आ जाएगा अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा 23 अपान 60 तो आपका है सेकेंड रेशन नंबर 23 थ्री अपान सिक्सटी यहाँ पर दिखा सकते हैं 23 थ्री अपान सिक्सटी यदि यहाँ पर इंक्रीजिंग डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोलेगा तो आसानी से आप देख रहे हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है वन बाई थ्री छोटा होगा फिर इलेवन अपॉइन्ट थ्री थर्टी इससे बड़ा होगा फिर इलेवन थर्टी से बड़ा होगा ट्वेंटी थ्री वन सिक्सटी इससे बड़ा होगा टू पॉइंट फाइव तो ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने ऑलरेडी अरेंज कर दिया है नाउ दी थर्ड पार्ट देखिए थ्री अपॉइंट फोर है एंड वन होल वन पॉइंट फाइव तो मैंने यहाँ पर इसको इम्प्रॉपर नाक्रमण कर लिया नंबर एन पर रिप्रेजेंट कर दिया अब क्या करेंगे सबसे पहले पहले वन फर्स्ट निकालेंगे बीचो बीच वाला तो फर्स्ट रेस्टोरेंट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे वन बाई टू कर देंगे मतलब कि टू से डिवाइड कर देंगे थ्री अपन फोर और सिक्स अपन फाइव को ऐड करके इसको सॉल्व करेंगे फोर और फाइव का एलसीएम होगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव थ्री जो फिफ्टीन प्लस फाइव और ट्वेंटी एंड फोर सिक्स ट्वेंटी फोर तो मिलेगा देखिए फिफ्टीन और ट्वेंटी फोर हो जाएगा थर्टी नाइन थर्टी नाइन फोर्टी तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर होगी यहां पर थर्टी नाइन अपान फोर्टी हमें एक और फाइंड करना है तो देखिए थर्टी नाइन वन फोर्टी और सिक्स वन फाइव के बीच में फाइंड कर लेंगे यहां पर तो इन दोनों को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे यहाँ पर देखिए फोर्टी से डिवाइड करेंगे वन बजेगा थर्टी नाइन होगा प्लस फाइव से डिवाइड करेंगे एट 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 आएगा सिक्स या फोर्टी यहाँ पर ऐड करेंगे एट एट सिक्सटीन वन सेवनटीन का सेवन वन कहरी एंड फोर थ्री सेवन वन एट एट्टी सेवन अपान फोर्टी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिलेगा एट्टी सेवन अपन एट्टी तो ये आ गया आपको 87 सेवन अपॉन एट्टी दिस इज द सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन थ्री वन फोर एंड सिक्स वन फाइव नाउ दी फोर्थ पार्ट ध्यान दीजिएगा माइनस वन और वन के बीच में फाइंड करना है टू रेशनल नंबर्स देखिए माइनस टू और वन के बीच में फाइंड करना है टू रेशनल नंबर्स तो बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगा ये तो क्योंकि माइनस टू के जस्ट आगे क्या आता है माइनस वन जो जो इंटीजर आता है माइनस वन आता है उसके बाद वाला इंटीजर क्या आता है जीरो आता है फिर जीरो के बाद वन आता है तो हमें टू रेशनल फाइंड करना है तो ये माइनस वन और जीरो ही क्यों ना ले लें हम ये भी तो आंसर होगा तो माइनस वन एंड जीरो आप आंसर में लिख सकते हैं एकदम करेक्ट है बट आपकी बुक में आंसर जो दिया हुआ है वो फाइंड कर लें तो ज्यादा बेहतर लगेगा आपको तो लेट अस फाइंड दैट और उसके लिए हमें माइनस वन और वन को ऐड करके टू से डिवाइड करना पड़ेगा तो फर्स्ट रेशनल नंबर हो जाएगा वन अपन टू करना पड़ेगा मतलब कि डिवाइड करना पड़ेगा टू से माइनस टू और वन को ऐड करके तो माइनस टू में वन ऐड कर देंगे माइनस टू में वन ऐड करेंगे तो माइनस वन आएगा अब माइनस वन से मल्टीप्लाई मतलब करेंगे वन में तो माइनस वन ही मिलेगा अपान टू आ जाएगा मतलब कि माइनस वन अपान टू आ गया अब यहाँ देखते हैं कि माइनस वन अपन टू कहाँ लाई करेगा थोड़ा सा देखते हैं कि माइनस वन और जीरो के पास किधर लाई करता है देखिए टू माइनस निगेटिव है निगेटिव है मतलब कि जीरो और माइनस वन के बीच में लाई करेगा यहाँ पर और ये एग्जैक्टली यहीं पर लाई करेगा एकदम जीरो और माइनस वन के बीचों बीच में मतलब कि माइनस वन और जीरो के बीचों बीच में होगा तो माइनस टू और वन के बीच के भी बीचों बीच में होगा तो ये एक्चुअली है माइनस वन अपन टू तो इसको फाइंड करना है अब अगर नक्स देखिए माइनस वन अपन टू और माइनस टू इन दोनों को सम करके और टू से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा सेकेंड रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे ये जो पॉइंट मिला हमें माइनस वन अपन टू इसको और ये जो माइनस टू था ये उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें इन दोनों के बीचों बीच वाला नंबर मिल जाएगा तो करते हैं वन अपॉइट माइनस टू प्लस माइनस वन अपॉइंट टू ऐसा करेंगे ठीक है मैंने माइनस टू किया फिर प्लस कर दिया माइनस वन अपॉइंट टू अब देखते हैं क्या मिलता है तो यहां पर तो रहेगा वन अपॉइंट टू यहां पर ध्यान दीजिएगा यदि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा मतलब माइनस टू माइनस वन अपॉइंट टू सॉल्व करेंगे देखिए टू टू जब फोर एंड फोर एंड माइनस वन माइनस फाइव अपॉइट टू आएगा और वन अपान टू मल्टीप्लाइड आएगा माइनस फाइव मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो मिलेगा नंबर वही होगा मतलब कि माइनस फाइव अपान फोर इज अनदर नंबर अनदर रेशनल नंबर जो कि माइनस फाइव अपान फोर कहाँ पर लाई करेगा थोड़ा सा हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें यहाँ पर तो देखेंगे कहाँ पे लाई करता है तो माइनस फाइव विल बी इक्वल टू -1 होल वन अपान तो -1 होल मतलब कि यहां तक यहां यहाँ से यहां तक तो पहुँच जाएंगे उसके आगे होगा मतलब माइनस वन और माइनस टू के बीच में लाइक करेगा कहीं पर माइनस वन होल वन अपन फोर मतलब कि फोर पार्ट्स करेंगे हम माइनस वन और माइनस टू के बीच में तो मिलेगा वन टू थ्री फोर और हमारा फर्स्ट पार्ट लेना है मतलब कि फर्स्ट पार्ट ये वाला ये जो रेस्ट्रॉ नंबर है ये जो पॉइंट है हमें ये निकला जो कि था माइनस फाइव वन फोर तो हमने यही दोनों निकालना था माइनस फाइव वन फोर एंड वन अपन टू वैसे आप माइनस वन भी ले सकते थे जो यहां पे हमने निकाला था माइनस वन और जीरो क्वेश्चन सिक्स फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन फोर एंड फाइव ये फर्स्ट पार्ट है ऐसे ही सिक्स और पार्ट्स हैं तो वन बाई वन हम सॉल्व करेंगे ओके okay? तो फोर और फाइव के बीच में थ्री नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे इनके बीचों बीच वाला फाइंड कर लेंगे दोनों को ऐड करेंगे टू से डिवाइड करेंगे तो, तो एकदम इसके सेंटर में फोर और फाइव के सेंटर में जो नंबर होगी वो मिल जाएगी उसके बाद ये जब नंबर मिलेगा तो हम फोर फोर और ये नंबर जो मिलेगा इन दोनों के बीच में फाइंड कर लेंगे उसके बाद ये नंबर और इस नंबर के बीच में फाइंड कर लेंगे और यही हमारे थ्री रेस्टोरेंट नंबर मिल जाएंगे चलिए फर्स्ट फाइंड करते हैं फर्स्ट रेस्टोरेंट नंबर निकालने के लिए फोर फाइव को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे तो ये बहुत सिंपल है नाइन अपन टू मिल जाएगा तो ये हमारा मिल गया नाइन अपन टू हम चाहते हैं कि ये निकालें तो दोनों को ऐड करेंगे फोर प्लस नाइन अपन टू और टू से डिवाइड करेंगे तो सेकेंड रस्ट नंबर इज इक्वल टू वन 2 टू इन ब्रैकेट दोनों को ऐड करेंगे फोर प्लस नाइन अपन टू यहाँ सॉल्व करेंगे देखिए फोर टू 8 एट और एट नाइन सेवनटीन सेवनटीन अपन टू आएगा और वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा सेवन वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई सेवेंटीन टू तो मिल जाएगा सेवनटीन अपन फोर तो ये आपको मिलेगा सेवनटीन अपान फोर अब इसको निकालते हैं तो थर्ड में निकालने के लिए नाइन अपॉन टू और फाइव को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे मतलब करेंगे ऑफ नाइन अपॉन टू प्लस फाइव यहां पर देखिए प्लस फाइव करेंगे तो टू फाइव टेन और टेन नाइन नाइनटीन हो जाएगा नाइनटीन अपान टू आएगा जो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा नाइनटीन अपान फोर तो दिस विल बी नाइनटीन अपॉन फोर तो यही हमारे थ्री रेशनल नंबर्स होंगे सेवनटीन अपन फोर नाइन अपॉन टू एंड नाइनटीन अपन फोर सेकेंड पार्ट वन अपन टू एंड थ्री अपन फाइव वन अपन टू और थ्री वन फाइव को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है ताकि इसके बीच में हम दिखा सकें थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस टू चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए वन अपॉइन टू और थ्री वन फाइव को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर बीचों बीच में हमें एक रेस्टोरेंट मिल जाएगी तो वन अपॉइन टू से मतलब टू से डिवाइड करेंगे तो वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे वन अपॉइंट टू प्लस थ्री अपॉन फाइव ओके ये वन अपॉइंट टू और थ्री एन फाइव ऐड कर रहे हैं यहां सॉल्व करेंगे देखिए वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये होगा टेन टू फाइव डर टेन फाइव प्लस फाइव डि टेन एंड टू थ्री सिक्स मतलब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं वन बाई टू देखिए फाइव फाइव सिक्स इलेवन होगा तो इलेवन अपान टेन टू जा ट्वेंटी तो इलेवन अपन ट्वेंटी हो जाएगा फर्स्ट रेस्टोरेंट नंबर सेकेंड रेस्टोरेंट में निकालने के लिए वन बाई टू और इलेवन अपान ट्वेंटी को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो बीच में नंबर है इन दोनों के वह हर में निकल जाएगी सॉल्व करते हैं तो वन अपान टू मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर ट्वेंटी होगा एलसीएम टू टेन जा तो यह होगा टेन प्लस वन जावन मतलब देखिए इलेवन और टेन कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी वन 40 फोर्टी हो जाएगा ये ट्वेंटी फोर जा ट्वेंटी टू जा फोर्टी तो ट्वेंटी वन अपन फोर्टी आ जाएगा ये वाला नंबर अब हमें एक और निकालना है तो यहाँ पर मिडिल पॉइंट में निकाल सकते हैं यहाँ पर मतलब कि इलेवन पॉइंट ट्वेंटी और थ्री वन फाइव को ऐड करेंगे टू से डिवाइड करेंगे यहाँ पर रिल होगा 20 ट्वेंटी एंड ट्वेंटी सीवेड करेंगे इलेवन आएगा इलेवन प्लस फाइव फोर जीरो फोर थ्री ट्वेल मतलब देखिए ट्वेल्व और इलेवन जा जा हो जाएगा ट्वेंटी थ्री अपान ट्वेंटी टू ज फोर्टी तो ये नंबर होगी ट्वेंटी थ्री अपान फोर्टी तो हमें मिल गए थ्री नंबर्स बिटवीन वन अपान टू एंड थ्री अपान फाइव नाउ दी थर्ड पार्ट माइनस वन एंड वन तो थ्री रेस्टर फाइंड करना है माइनस वन और वन के बीच में सबसे पहले हम इसके मिडिल पॉइंट को फाइंड करेंगे तो मिडिल पॉइंट फाइंड हो जाएगा यदि हम माइनस वन और वन को ऐड करें और टू से डिवाइड करें तो हमारा ये मिडिल पॉइंट मिल जाएगा तो वन बाई टू करना है माइनस वन प्लस वन में देखिए माइनस वन और वन ज़ीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू समथिंग इज़ जीरो जीरो इंटू वन बाई टू इज जीरो तो जीरो मिल गया हमें एक रेशा नंबर और हम जानते भी हैं कि माइनस वन के बाद जो इंटीजर आता है वो जीरो आता है फिर जीरो के बाद वन आता है तो ये बीचों बीच वाला पॉइंट है था भी ओके okay? नाउ द सेकेंड रेसर नंबर जीरो और माइनस वन के बीच में फाइंड करेंगे तो यहां पर माइनस वन और जीरो को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे तो वन बाई टू ऑफ माइनस वन प्लस जीरो तो माइनस वन में जीरो ऐड करेंगे तो माइनस वन ही होगा इट मींस माइनस वन अपान टू ही आ जाएगा माइनस वन इंट वन करेंगे तो माइनस वन अपान टू सो दिस इज अनादर दिस इज द सेकेंड रेसर नंबर बिटवीन माइनस वन एंड वन नाउ ओ द फाइनल वन थर्ड रेशनल नंबर देखिये जीरो और वन के बीच में फाइंड करेंगे तो यहाँ पर जीरो और वन को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे तो हमने ऐसा किया देखिए यहाँ पर जीरो वन करेंगे ऐड तो वन ही होगा वन अपॉन टू आएगा सो दिस इज वन अपॉन टू तो हमें मिल गए थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस वन एंड वन ना ओ दोर्थ पार्ट टू होल वन अपॉइन्ट थ्री एंड थ्री होल टू अपॉइन्ट थ्री में फाइंड करना है थ्री रेस्रा नंबर्स तो सेवन अपन थ्री एंड एलेवन अपन थ्री होगा इनके इम प्रॉपर फॉर्म तो इनके बीच में फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मिडिल पॉइंट तो दोनों को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे यहाँ सॉल्व करेंगे देखिए डिनोमेटर सेम है तो डिनोमेटर को ऐड कर देंगे ये हो जाएगा एटीन एटीन अपान देखिए थ्री टू जो सिक्स हो जाएगा यहाँ पर तो सिक्स थ्री जहा एटीन हो जाएगा मतलब कि थ्री आएगा तो ये नंबर जो थ्री है इन दो नंबर्स का जो मिडिल पॉइंट है वो क्या है थ्री है सेकेंड रेशनल नंबर निकालने के लिए टू से डिवाइड करेंगे सेवन अपन थ्री और थ्री को ऐड करके मतलब कि सेवन अपन थ्री प्लस थ्री टू से डिवाइड किया यहाँ पर तो मिलेगा देखिए थ्री थ्री जन नाइन एंड नाइन सेवन सिक्सटीन सिक्सटीन अपन सिक्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्सटीन अपन सिक्स थ्री जो सिक्स एंड टू एट ज तो ये हो जाएगा एट अपान थ्री तो थर्ड रेस्टोर नंबर निकालने के लिए थ्री और इलेवन अपान थ्री को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें थ्री प्लस इलेवन अपान थ्री और यहाँ हो जाएगा थ्री 9 जा नाइन एंड नाइन एंड इलेवन इज ट्वेंटी ट्वेंटी अपान तो थ्री और यहाँ पर वन बाई टू से मल्टीप्लाइड है मतलब टू से कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा हमें टेन अपॉन थ्री तो हमें गया यहाँ पर टेन अपान थ्री तो दीज आर थ्री रेस्ट नंबर्स बिटवीन सेवन अपान थ्री एंड इलेवन अपन थ्री नाउ द फिफ्थ पार्ट माइनस वन अपॉइंट टू एंड वन पॉइंट थ्री इन दोनों के बीच में थ्री रेस्लो में निकालना है सबसे पहले हम इन दोनों के बीचों बीच वाला फाइंड करेंगे दोनों को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो वन अपॉइंट टू इन ब्रैकेट यहाँ देखिए सिक्स ओ गैल्सियम टू थ्री जो सिक्स एंड माइनस थ्री हो जाएगा यहाँ प्लस थ्री टू सिक्स एंड टू वन जो टू तो देखिए माइनस थ्री एंड टू वन हो जाएगा माइनस वन एंड माइनस वन इन वन माइनस वन होल अपन

इसको कर देते हैं बड़ा ब्रेकेट यहां भी ओके okay. तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू इन ब्रेकेट देखिए यहां पर माइनस वन अपॉन टू और यहां पर देखिए प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस वन अपॉन ट्वेल्व वन अपॉन टू एलसीएम होगा यहां पर देखिए ट्वेल्व टू सिक्स टू सिक्स माइनस सिक्स हो जाएगा यहां पर माइनस ट्वेल्व एंड माइनस वन सो मिल जाएगा हमें माइनस सिक्स माइनस वन इज माइनस सेवन माइनस सेवन इंटू वन इज माइनस सेवन होल अपॉन ट्वेल्व टू ज ट्वेंटी फोर सो दिस इज द सेकेंड रेसरल नंबर माइनस सेवन अपॉइन ट्वेंटी फोर नाउ दर्ड पॉइंट तो माइनस वन अपॉइट ट्वेल्व प्लस वन अपॉन थ्री करेंगे यहां पर तो हमें मिलेगा यहां पर देखिए ट्वेल्व होगा एलसीएम ट्वेल्व वन जाए वन माइनस वन हो जाएगा प्लस थ्री फोर ट्वेल्व एंड फोर सो तो यहां पर सॉल्व करेंगे माइनस वन एंड फोर इज थ्री एंड थ्री इन वन इज थ्री अपान टू ट्वेल्व जा ट्वेंटी फोर यहां से कैंसिल कर लेंगे थ्री वन जा थ्री एंड थ्री एट जा ट्वेंटी फोर मीन्स वन अपान एट तो आपका जो थर्ड रेशनल नंबर है वो मिल गया वन अपॉन एट दिस इज वन अपन एट तो ये हमें मिल गया है थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस वन अपॉइंट टू एंड वन अपान थ्री नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स माइनस वन अपॉइंट थ्री एंड वन अपॉइंट फोर हमें फाइंड करना है थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस वन थ्री एंड वन अपन फोर सबसे पहले फाइंड करेंगे इसके बीच बीच वाला नंबर तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा वन अपॉइन टू ऑफ माइनस वन अपॉइन थ्री प्लस वन अपॉन फोर यहां पर होगा ट्वेल्व थ्री फोर ट्वेल्व फोर प्लस माइनस फोर प्लस थ्री एंड सॉल्व करने में मिलेगा हमें माइनस फोर प्लस थ्री इज माइनस वन एंड माइनस वन अपॉन ट्वेंटी फोर सो दिस इज द फर्स्ट वन माइनस वन अपॉइंट ट्वेंटी फोर हम चाहते हैं यहाँ पर फाइंड करना तो माइनस वन अपॉइंट थ्री एंड माइनस वन अपन ट्वेंटी फोर को ऐड करेंगे टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एल्सीयम ले लेंगे वन अपॉइंट टू इन ब्रेकेट यहाँ पर एल्सीय होगा ट्वेंटी फोर सो थ्री एट जो ट्वेंटी फोर माइनस एट प्लस यहाँ पर हो जाएगा ट्वेंटी फोर बन जाए वन माइनस वन आएगा तो मिलेगा हमें वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस एट माइनस वन इज माइनस नाइन माइनस नाइन अपॉन ट्वेंटी फोर सो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो मिलेगा माइनस नाइन अपन फोर्टी एट सो दिस इज अच्छा यहाँ पर फिर से कैंसल आउट हो सकता है तो कैंसिल आउट कर लेंगे हमें मिलेगा एक्चुअली माइनस थ्री अपान थ्री थ्री जै नाइन एंड थ्री वन जै थ्री थ्री सिक्स जै एटीन माइनस थ्री अपन सिक्सटीन दिस इज द सेकेंड रेशन नंबर माइनस थ्री अपान सिक्सटीन नाउ द थर्ड अब देखिए माइनस वन अपान ट्वेंटी फोर और वन अपान फोर को एड करेंगे और यहाँ पर मिडिल पॉइंट फाइन कर लेंगे टू से डिवाइड करने के बाद तो वन अपान टू माइनस वन अपान ट्वेंटी फोर प्लस यहाँ हो जाएगा एल्सियम ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर वन या ट्वेंटी फोर माइनस वन प्लस फोर सीज ट्वेंटी फोर सिक्स तो ध्यान दीजिएगा यहाँ मिलेगा हमें फाइव तो फाइव अपॉनिटर ट्वेंटी फोर इंटू टू इज फोर्टी एट तो फाइव अपन फोर्टी एट सो थर्ड वन इज फाइव अपान फोर्टी एट सो दीज आर थ्री रेसर नंबर्स बिटवीन माइनस वन अपान थ्री एंड वन पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर सेवन फाइंड फोर रेशनल नंबर्स बिटवीन फोर एंड फोर पॉइंट फाइव तो हमें फोर रेशनो फाइंड करना है बट हमारा इंटेंशन ये है कि हम फोर और फोर पॉइंट फाइव के बीच में जो फोर रेशनो फाइंड करेंगे वो इक्वल डिस्टेंस पर फाइंड करेंगे मतलब ये कि यदि हम फर्स्ट रेशनो फाइंड करते हैं यहाँ पर तो जो यहाँ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है फोर से जो डिस्टेंस है यहाँ पर इस पॉइंट का फर्स्ट रेशनल नंबर का वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो हम चाहते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम रहे तो दो दशर में मिल जाएंगे अब थर्ड फाइंड करने के लिए जो डिस्टेंस हो मतलब यहाँ से यहाँ तक वो उतना ही रहे जितना ये रहे और उसके बाद चाहते हैं हम कि जो फोर्थ मिले वो भी यहाँ से यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस रहे और उसके बाद जो फोर्थ मिलेगा उसका और फोर पॉइंट फाइव के बीच में जो डिस्टेंस हो वो भी बराबर रहे कुल मिलाकर कहना चाहते हैं कि फोर और फोर पॉइंट फाइव को यदि हम फाइव इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो हमें एग्जैक्टली फोर रेशनल नंबर मिल जाएंगे देखिए यहाँ से ये वन पार्ट टू थ्री फोर और यहाँ से फाइव तो फाइव पार्ट्स करेंगे जब हम फोर और फोर पॉइंट फाइव के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बीच में तो हमें आसानी से फोर रेशनल नंबर मिल जाएंगे ये कहने का मतलब तो करेंगे क्या कैसे हम पार्टीशन करेंगे कैसे फाइंड करेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हम ये दूरी कैसे फाइंड करेंगे हाउ विल यू फाइंड दिस वन तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 4.5 में से 4.5 में से 4 को सेपरेट करना पड़ेगा और जितने भी पार्ट्स करना है हमें उतने से डिवाइड करना पड़ेगा यही तरीका होता है ना जैसे कि क्या करेंगे मतलब यहाँ पर सोल्यूशन तो हम यही फाइंड करना चाहते हैं इसी को हम ले लेते हैं स्मॉल डी ठीक है तो पहले हम स्मॉल डी फाइंड करना चाहते हैं सो वी हैव ये जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए हम d इज्कवल टू लिखेंगे देखिए 4.5 में से हम पहले माइनस कर देंगे 4 तो ये करने पर होगा क्या जो यहाँ 4 से 4.5 पॉइंट फाइव के इसमें जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या गैप है गैप का क्या मेजर है वो मिल जाएगा और वह मिलने के बाद हम डिवाइड कर देंगे इसको फाइव इक्वल पार्ट्स में देखिए वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इसीलिए फाइव से डिवाइड कर देंगे और फाइव से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें फोर रेशनों फाइंड करना है तो फोर फाइंड करना है इसलिए फाइव पार्ट्स करना पड़ेगा तभी तो फोर मिल पाएंगे रेशनल नंबर्स तो हम यहाँ पर डी की वैल्यू क्या निकाल पाएंगे देखिए फोर पॉइंट फाइव माइनस फोर करेंगे तो मिलेगा जीरो पॉइंट फाइव इसका मतलब कि फोर और फोर पॉइंट फाइव के बीच में जो डिस्टेंस है वो जीरो पॉइंट फाइव का है होल अपन फाइव से डिवाइड करेंगे तो फाइव वन जाए फाइव मतलब आ जाएगा जीरो पॉइंट वन इसका मतलब कि d की वैल्यू आ गई है इसका मतलब कि हम यदि फोर में d ऐड कर दें मतलब ये जो डिस्टेंस है वो यदि फोर में ऐड कर दें तो ये पॉइंट मिल जाएगा तो ये पॉइंट होगा एक्चुअली फोर प्लस डी और यदि हम d को टू टाइम्स ऐड कर दें तो ये पॉइंट मिल जाएगा मतलब हो जाएगा फोर प्लस टू डी और यदि हम d को थ्री टाइम्स ऐड कर दें मतलब इतना d प्लस डी प्लस डी थ्री टाइम्स तो मिल जाएगा ये प्लस थ्री डी है कि नहीं और फोर टाइम्स एड करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा मतलब फोर प्लस फोर डी तो यही हमें फाइंड करना है तो हमें डी जब मिल गया तो आसानी से वैल्यू पुट कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए सो so, तो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा हमारा फोर प्लस डी है कि नहीं ए पॉइंट फोर प्लस डी होगा तो फोर में हम डी ऐड कर देंगे फोर प्लस जीरो पॉइंट वन तो ये आएगा फोर पॉइंट वन क्लियर अब ठीक वैसे ही सेकेंड फाइन करेंगे सेकेंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा फोर प्लस टू डी मतलब कि फोर में ऐड करेंगे टू टाइम्स जीरो पॉइंट वन तो हमारा आ जाएगा फोर पॉइंट टू थर्ड फाइन करना होगा रेस्ट्राउंड नंबर तो हमें फोर प्लस थ्री डी करना होगा तो हमें थ्री डी ये मिल जाएगा राइट right? तो फोर प्लस थ्री टाइम्स जीरो पॉइंट वन और ये मिलेगा हमें फोर पॉइंट थ्री सॉल्व करिएगा आपको फोर पॉइंट थ्री मिलेगा नंबर होगा फोर प्लस थ्री फोर प्लस फोर डी तो फोर प्लस फोर टाइम्स डी जीरो पॉइंट वन मिल जाएगा हमें फोर पॉइंट फोर मतलब कि हमें जो ये रिजल्ट मिले इक्वल डिस्टेंस पर हमें यहाँ फर्स्ट मिला 4.1 पॉइंट यहाँ मिला 4.2 और ये मिला 4.3 और ये मिला 4.4 और ये आपका 4.5 है तो दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड इक्वल डिस्टेंस पर रेशनल नंबर्स लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही फाइंड करना चाहिए बट दिस इज अ रेगुलर एंड सिमेट्रिक वे टू फाइंड रेशनल नंबर्स नहीं तो आप इनके बीच में फाइंड कर सकते थे बहुत सारे मिल जाएंगे है कि नहीं दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स तो अपना दिमाग लगा करके फाइंड करना चाहते हैं कि ऐसे भी तो आप वो भी एग्जाम में लिख सकते हैं बट दिस इज अ गुड वे टू फाइंड क्वेश्चन नंबर एट फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर तो थ्री और फोर के बीच में हमें फाइंड करना है सिक्स रेशन नंबर्स तो क्यों ना हम थ्री और फोर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको सेवन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और सिक्स नंबर्स फाइंड कर लें तो बिल्कुल सही तरीका है तो क्या करेंगे यहां पर यदि हम इसको सेवन पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो सिक्स लाइन्स खींचनी पड़ेंगी बीच में तो खींच लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स वाव, मैंने मतलब लगभग इक्वल डिस्टेंस पर फाइंड कर लिया ओके देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थ्री और ये जो फर्स्ट रेशनल नंबर मिला हमें इनके बीच में जो डिस्टेंस है मतलब ये जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया डी वो डिस्टेंस यहाँ भी वही सेम है मतलब यहाँ से यहाँ तक ये यह भी डी है और एवरीवेयर डी है यहाँ तक ठीक है मतलब हमने इक्वल डिस्टेंस पर हमने ये पॉइंट को लगाया है तो हमें मिल जाएगा ये फर्स्ट स्टेशन नंबर यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हम कैसे फाइंड करेंगे इन सभी नंबर्स को तो हमें ये डी फाइंड करना पड़ेगा और डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि फोर में से थ्री माइनस करेंगे तो ये पूरा थ्री और फोर के बीच का जो पूरा डिस्टेंस है वो पता चल जाएगा माइनस करने पर और यदि हम सेवन से डिवाइड कर दें तो सेवन इक्वल पार्ट्स में हमें मिल जाएगा वो मतलब कि हमें ये डी मिल जाएगा स्मॉल डी तो हम यही फाइंड करना चाहते हैं पहले सोल्यूशन लेकिन आपकी बुक में थोड़ा सा आंसर अलग दिया है अलग तरीके से किया है ठीक है तो वो भी बताऊंगा मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा है ना ये भी तरीका सही है यहां पर जो फाइंड कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट है हंड्रेड परसेंट समझिएगा ध्यान से कैसे कर रहा हूं मैं सबसे पहले आप फाइंड करेंगे d तो वी हैव सिंस d इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री फोर माइनस थ्री करने का मतलब कि थ्री और फोर के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लेना तो फोर माइनस थ्री अपान हमको इसको सेवन पार्ट्स में करना है इसीलिए तो सिक्स मिलेंगे सिक्स तभी रेशनों में मिलेंगे जो हम इसको सेवन पार्ट्स में करेंगे और सेवन पार्ट्स में करने के लिए हमें सेवन से डिवाइड करना पड़ेगा सेवन से डिवाइड करेंगे तो ये डी निकल जाएगा मतलब कि फर्स्ट पार्ट ये जो छोटा वाला डिस्टेंस है ये ये डी निकल जाएगा तो यहाँ पर आएगा क्या वन अपान सेवन तो डी मिल गया हमें वन अपान सेवन अब देखिए ये पॉइंट निकालने के लिए हम केवल थ्री में डी एड कर देंगे तो ये मिल जाएगा और इस पॉइंट को निकालने के लिए थ्री में टू डी ऐड करना पड़ेगा मतलब टू टाइम्स ऑफ डी और ये पॉइंट निकालने के लिए थ्री टाइम्स ऑफ डी जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेवन बताया ठीक वैसे ही यहाँ भी करना है तो ऐसे सारे मिल जाएंगे चलिए फाइंड करते हैं तो फर्स्ट वन फर्स्ट निकालने के लिए थ्री प्लस डी करेंगे तो थ्री प्लस डी करेंगे तो मिलेगा हमें थ्री प्लस वन अपान सेवन सेवन थ्री ट्वेंटी वन और वन ट्वेंटी टू सो मिल जाएगा हमें ट्वेंटी टू अपान सेवन तो ये भी एक रेसनल नंबर है ट्वेंटी टू अपॉन सेवन तो ये जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है ट्वेंटी टू अपॉन सेवन d मतलब हो जाएगा 3 plus मतलब सॉल्व करेंगे तो सेवन से ट्वेंटी थ्री अपॉन सेवन तो ये मिल गया आपको सेकेंड ये वाला पॉइंट जो होगा वो होगा ट्वेंटी थ्री अपान सेवन ठीक ऐसे ही आप थर्ड करने लगे। थर्ड नंबर इज़ इक्वल फाइनल करने का मतलब कि यही पर ट्वेंटी टू अपन सेवन आ रहा है, आ रहा, 7, ऐसे ही बढ़ता, बढ़ाते है। तो ट्वेंटी थ्री अपॉन सेवन के बाद आ रहा है फिर ट्वेंटी सिक्स अपान सेवन एंड नाउ ट्वेंटी सेवन अपान सेवन एंड ट्वेंटी एट अपान सेवन इज फोर इज ऑन दैट ट्वेंटी एट अपान सेवन करेंगे तोवन फोर ट्वेंटी वन होता है तो फोर आ जाएगा तो फाइनली हमने ये सारे नंबर्स फाइंड कर लिए आप यहाँ से लिख लीजिएगा लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बुक में सेवन से डिवाइड करने के बजाय बोला है कि टेन से डिवाइड कर दीजिए टेन से इसलिए बोला है क्योंकि यदि हम फोर माइनस थ्री का जो डिफरेंस आया है वन यदि वन में हम टेन से डिवाइड करेंगे तो लेट अस टेक डिफरेंट कलर ओके वन वन में यदि टेन से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें जीरो पॉइंट वन और ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा है अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे लेकिन ये टेन पार्ट्स में किया जाएगा इसको और टेन पार्ट्स में करेंगे तो नाइन नंबर्स मिल जाएंगे आसानी से मतलब कि जैसे मैं यहाँ पर आपको एक बार और नंबर लाइन खींच कर बता दूं जैसे कि ये मान लीजिए नंबर लाइन है और यहाँ पर है थ्री और ये आपका है फोर इसको करेंगे हम टेन इक्वल पार्ट्स मतलब कि नाइन बार खींचेंगे ऐसे लाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन तो ये हमने टेन इक्वल पार्ट्स में किया तो इनमें से कोई भी आप सिक्स चूज कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो जानते हैं क्या है जीरो पॉइंट वन क्योंकि हमने टेन से डिवाइड किया था है ना जो डी हमने निकाला है यहाँ पर ज़ीरो पॉइंट वन तो यही आपका डी है तो फर्स्ट मिल जाएगा हमें थ्री पॉइंट वन ये सेकेंड मिल जाएगा थ्री पॉइंट टू ये मिल जाएगा हमें थर्ड थ्री पॉइंट थ्री तो ऐसे करके आप कोई भी सिक्स ले सकते हैं इस नाइन में से हमें टोटल नाइन यहाँ पर नंबर्स मिल जाएंगे आसानी से तो केवल टेन ही से डिवाइड करके नहीं आप इलेवन से डिवाइड करके बहुत सारा बना लीजिए और उसमें से कोई भी सिक्स ले लीजिए वो भी सही करेक्ट आंसर होगा तो इसमें आपको फिक्स नहीं रहना है आपको समझ लेना है कि कैसे फाइंड किया जाता है ओके तो आप ये फाइंड कर लीजिएगा जो मैं यहाँ पे कर रहा था सेकेंड थर्ड वैसे फाइंड कर सकते हैं या आप चाहेंगे बुक के अनुसार चलना तो बिल्कुल ही आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं और ये बिल्कुल करेक्ट है वैसे ही जैसे और भी नंबर्स फाइंड कर सकते हैं यदि आप इलेवन पार्ट्स में करेंगे तो वो भी सही होगा फोर्टीन पार्ट्स में करेंगे वो भी सही होगा हंड्रेड पार्ट्स में करेंगे तब भी सही होगा मतलब मेरे कहने का है कि थ्री और फोर का जो डिस्टेंस है यदि इसको हंड्रेड पार्ट्स में कर लें छोटे 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 हंड्रेड पार्ट्स में और हम डिवाइड करें वन को हंड्रेड से तो मिलेगा यहां यहां पर क्या मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो वन और इसको ऐड कर सकते हैं थ्री में तो पहला मिल जाएगा थ्री प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन मतलब थ्री पॉइंट जीरो वन मिल जाएगा थ्री पॉइंट जीरो वन फर्स्ट होगा थ्री पॉइंट जीरो टू सेकेंड होगा थ्री पॉइंट जीरो थ्री सेकेंड थर्ड होगा ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं कोई भी सिक्स ले लेंगे वो एकदम करेक्ट होगा हंड्रेड परसेंट सो so, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर कर लिखिएगा आप यदि डाउट नहीं भी है तब भी आप जरूर कमेंट करिए मेरे लिए अच्छा रहेगा ओके okay? और uh, मेरे से जुड़े रहिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ मिलते रहें मैं इस बुक को सॉल्व कर दूंगा इस साल दिस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इज़ फॉर नाइन्थ क्लास ओके आई एम सॉल्विंग ईच एंड एवरी बुक आई कैन पॉसिबली गेट ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय